नमस्कार दोस्तों, जब भी हम लोग एक वैक्यूम क्लीनर खरीदने जाते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमको एक बैग वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए या फिर एक बैगलेस वाला लेना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी चीज का सलूशन आपको देंगे और कंपेयर करेंगे दोनों टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स की, बैगलेस और बैग वाला, और आपको बताएंगे कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा वाला वैक्यूम क्लीनर आपको यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए, और वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यूज देखो यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। तो सबसे पहले जो आपको फिगर आउट करना है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको चुनना चाहिए कि आपको एक बैग वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए या फिर बैगलेस वाला लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको बताऊंगा जिसके ऊपर मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि आपको बैग वाला लेना चाहिए या फिर बैगलेस वाला लेना चाहिए। तो पहला वाला है, अगर आपको डस्ट या डर्ट से एलर्जी है तो आपको कौन सा वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। तो पहले बता देता हूँ, बैग जो वैक्यूम क्लीनर्स है वो नॉर्मली बेटर होते हैं अगर आपको एनवायरमेंटल एलर्जी जैसे एजमा हो गया, डस्ट एलर्जी हो गया, डर्ट एलर्जी हो गया है, बिकॉज कि जो भी ये जो वैक्यूम बैग्स होते हैं ना, ये बैग्ड वैक्यूम क्लीनर्स में वो हेपा यानी कि हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर मटेरियल से बना होता है जिसके अंदर पूरी डस्ट और डर्ट जमा होते रहता है, तो वो बाहर नहीं निकलता है और इसके कारण आपको कोई भी तरह की एलर्जी से ये मुक्त रखता है। हालांकि बैगलेस वैक्यूम्स में भी हेपा फिल्टर्स रहते हैं, पर जो बैग्ड वाले वैक्यूम क्लीनर्स है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाता है जिससे कि आपकी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है जब आप एक्सपोज होते हो डस्ट एंड डर्ट से, उससे आपको बचाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि आप कितने फ्रीक्वेंटली अपने वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप दिन में दो से ज़्यादा बार यूज़ करते हो तो ज़रूर आपको एक बैग वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बैग वाला जो वैक्यूम क्लीनर है ज़्यादा स्पेशियस होता है और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डस्ट और डर्ट मटेरियल वो कलेक्ट कर सकता है। और अगर आप दो बार से कम करते हो तो आप बैगलेस वाला भी ले सकते हो। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि आप इतना टाइम देना चाहते हो मेंटेनेंस के ऊपर आपके वैक्यूम क्लीनर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जो बैगलेस वैक्यूम क्लीनर होता है उसमें आपको रेगुलर फिल्टर क्लीनिंग का काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिल्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर बैग जो वैक्यूम क्लीनर है उसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस आपको लगता है, कि नॉर्मली आप बैग को जब रिप्लेस कर देते हो तो वो जो बैग्ड वैक्यूम क्लीनर है वो एक नया जैसा बन जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और उसके आगे वाला जो पॉइंट है कि आपको कितने पावर वाला वैक्यूम क्लीनर चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो बैग्ड वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वहाँ पे सक्शन पावर जो है ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली टू बैगलेस वाले में। तो अगर आपका कारपेटेड एरिया है तो उसके लिए बैग्ड वैक्यूम क्लीनर्स अच्छा है, पर अगर आपका जो सरफेस बहुत ही हार्ड है तो आपको जो एक्स्ट्रा सक्शन पावर नहीं लगेगा तो आपके लिए बैगलेस वाला सही रहेगा। तो अगर आप एक बैग्ड वैक्यूम क्लीनर लेते हो तो आपको चेक भी करना है कि अगर आपका बैग फुल हो गया तो आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपके घर में कितना स्पेस है वैक्यूम क्लीनर को स्टोर करने के लिए। तो उसके हिसाब से नॉर्मली देखा जाता है बैग्ड जो वैक्यूम्स होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं बैगलेस वैक्यूम से। तो अगर आपके घर में स्पेस कम है तो आपको बैगलेस वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पोर्टेबल होते हैं और लाइट वेट भी होते हैं बैगलेस वैक्यूम्स। तो नॉर्मली स्टिक मॉडल में आपको मिल जाता है बैगलेस, जो कि बहुत ही कम स्पेस लेता है आपके रूम के अंदर। तो दोस्तों अभी अगर बात करें अगले जो पॉइंट का, तो वो बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पहले तो बता देता हूँ, बैगलेस जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं बैग्ड वैक्यूम क्लीनर से, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको बैग्स नहीं दिया जाता है, फिल्टर्स दिया जाता है। पर अगर हम लोग मतलब ओवर द टाइम पीरियड देखा जाए तो जो बैग्ड वैक्यूम क्लीनर्स है उसमें भी आपको रेगुलर बेसिस में जो डिस्पोजेबल बैग्स है जो आप रेगुलरली बाहर फेंकोगे उसको खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो
तो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि बैगलेस जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उसमें भी आपको फिल्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा, और जो बैग्ड वाला वैक्यूम क्लीनर्स है उसमें भी आपको जो डिस्पोजेबल बैग्स है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। पर एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो फिल्टर्स रहते हैं बैगलेस वैक्यूम क्लीनर में वो ज्यादा डस्ट और डर्ट मटेरियल एदर कर सकते हैं कंपेयर टू बैग्ड वैक्यूम्स, तो इससे चलते आपको फिल्टर जो है ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये फिल्टर्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो कुल मिला के अगर आप एसओ के हिसाब से देखा जाए तो बैग्ड वैक्यूम क्लीनर्स थोड़े कम एक्सपेंसिव है, और जो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तब भी ये थोड़े सस्ता है। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे वैक्यूम क्लीनर्स विद बैग्स की जो है प्रॉज और कॉन्स। तो प्रॉज की बात करें, जितने भी डर्ट हो गया, डेब्रिज हो गया, एलर्जेंस हो गया, सारे बैग के अंदर ट्रैप रहते हैं, और जो कंटेंट रहता है वो एकदम जब वो फुल हो जाता है बैग तब भी आप इसे रिप्लेस करते हो। तो जो फिल्टर होता है वो बैग का ही पार्ट होता है, तो आपको फिल्टर भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे ही बैग फुल हो जाता है आप बैग को सीधा जाके रिप्लेस कर दो, फिर एक नया बैग आप बैठा दो। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो जो वैक्यूम क्लीनर जो बैग वाले है वो रीयूजेबल नहीं है, आपको बार बार उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, और जब भी बैग फुल हो जाता है तो उस टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, स्पेशली जब आप वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे हो तब आपका बैग फुल हो गया तो आपको तब दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों वैक्यूम क्लीनर्स विदाउट बैग, जो कि बैगलेस वाले के प्रॉस की बात करें तो आपको चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे डिस्पोजेबल बैग्स नहीं मिलता आपको, और बहुत थोड़ा अफोर्डेबल भी है क्योंकि बैग्स को बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे जो हेपा फिल्टर्स है वो 6 महीने तक लास्ट करता है, जिसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जो बैगलेस मॉडल्स है वो एनवायरमेंटली ज़्यादा अच्छे है कंपेरेटिवली टू बैग्ड मॉडल्स। तो ये जो वैक्यूम है बहुत ही इजीली आप एम्प्टी भी कर सकते हो और आप इमीडिएटली उसे रीयूज भी कर सकते हो। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो जो बैगलेस वैक्यूम क्लीनर्स है जो उसकी फिल्टर्स है उसको रेगुलरली आपको वॉश करना है, ड्राई करना है और उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और जो हेपा फिल्टर्स है उसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ओकेशनली। एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि जो बैगलेस मॉडल्स है उसमें जो भी डर्ट या डस्ट हो गया वो बाहर जाने के चांसेस रहता है, जिससे अगर आपकी एनवायरमेंटल कोई एलर्जी वगैरह है, डस्ट एलर्जी है, तो आपके लिए ये सही नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बैगलेस और बैग्ड जो वैक्यूम क्लीनर्स है वो ऐसे होते हैं और आपके लिए कौन सा वाला अच्छे है। तो यहाँ पे मैं कुछ सजेस्टेड वैक्यूम क्लीनर्स बता देना चाहूँगा बैगलेस और बैग दोनों। बैगलेस की बात करें तो फिलिप्स का पावर प्लो आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड डेकर का साइक्लोनिक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर देख सकते हो, ब्लैक एंड डेकर का ही और एक मॉडल है जो कि 2000 वाट का है वो भी आप देख सकते हो। बैग्ड की अगर मैं बात करूँ तो यूरेका फोर्ब्स का क्विक क्लीन DX 1200 वाट का वैक्यूम क्लीनर विथ फ्री डस्ट बैग्स ये आप देख सकते हो, आपको फ्री में डस्ट बैग्स भी दिया जाता है इसमें, और एक इनाल्सा का 1200 वाट का वैक्यूम क्लीनर भी आप देख सकते हो जिसमें आपको ब्लोअर फंक्शन और रीयूजेबल डस्ट बैग्स भी मिल जाता है। तो दोस्तों इन सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और अपना मनपसंद बैग्ड या फिर बैगलेस वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।